एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 10वीं क्लास के हिंदी के आकलन कार्ड पत्र संख्या 3 जो कि 21 अगस्त के लिए है उसको हम पढ़ेंगे या सॉल्व करेंगे। छात्रों, आपको पता है कि आप हफ्ते में जो पढ़ते हैं उसका असेसमेंट यानी मूल्यांकन करने के लिए शिक्षा निदेशालय हर वीक में हर सब्जेक्ट का एक आकलन कार्ड पत्र भेजता है। इसमें 10 प्रश्न होते हैं, हर प्रश्नों के सामने 4 विकल्प होते हैं और जो विकल्प सही होता है उसके सामने सर्कल जो बना होता है उसे आपको पेंसिल या पेन से गोला करना होता है, डार्क करना होता है। तो आपने जो पढ़ा होता है उसी विषय पर आधारित या उससे संबंधित उसी विषय पर आधारित कुछ एग्जांपल्स या पैराग्राफ दे करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी के इस वर्कशीट में आपके सामने एक पैराग्राफ दिया गया है, उससे बाद आपके सामने 10 प्रश्न दिए गए होंगे। आपको इन सभी प्रश्नों को पढ़ना है, उनके सामने जो सही विकल्प हैं उन उस गोले को काला करना है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी की हुई है। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस डालें असेसमेंट वर्कशीट की, आपकी SST की, इंग्लिश की या आपके जो चैप्टर्स हैं उनकी समरी, तो वो आपको मिलती रहे, आप उसका लाभ लेते रहें। शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। हमारे देश में देश विविधता से भरा देश है। यहाँ की ना सिर्फ संस्कृति परंपरा में विभिन्नता है बल्कि यहाँ मौसम का भी विभिन्नता से भरा हुआ है। लोगों ने अपने काम और मौसम के मिजाज के हिसाब से साल में 6 ऋतु में बांटा है जो कि ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत है। हर एक मौसम का अपना अलग अलग अंदाज है। ग्रीष्म के बाद वर्षा के आगमन से गर्मी में भारी गिरावट आती है और अचानक से मौसम खुशहाल हो जाता है, अपनी धरती पर जैसे नई चादर ओढ़ ली है हो वैसे इस पर हरियाली वापस आती है। आषाढ़ और श्रावण ये 2 माह मुख्यतः वर्षा ऋतु के होते हैं लेकिन इसके बाद भी कुछ दिनों तक बारिश होती रहती है जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जून से शुरू होकर 20 सितंबर तक चलती रहती है। तकरीबन 4 माह देश भर में बारिश होती रहती है, इसीलिए वर्षा के इस काल को चतुर्मास कहा जाता है। कल की जगह काल को होगा। भारत में वर्षा का खूब महत्व है। हमारे देश में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मानसून यानी वर्षा ऋतु पर निर्भर करती है। छात्रों, इस पैराग्राफ में हमने भारत जो देश हमारा है विविधता पूर्ण देश है, अनेक प्रकार की विविध ऋतुएं हैं, विविध संस्कृतियां हैं, विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न खान पान हैं, इन सबसे भरा पड़ा है उसके बारे में बताया गया है। कैसे सांस्कृतिक परंपरा में विभिन्नता है, मौसम में विभिन्नता है और पूरा फिर आपका जो पैराग्राफ है वह वर्षा ऋतु पर आ जाता है। तो बताया गया है कि 6 ऋतुओं में बांटा गया है ग्रीष्म। इन 6 ऋतुओं के नाम रखें, मुख्यतः हम जानते हैं भारत में ठंडी, गर्मी, बरसात, 4-4 माह की 3 ही ऋतुएं होती हैं लेकिन हमारे यहाँ इसे मौसम के 6 भागों में, तो 6 ऋतुएं क्या क्या हैं? ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद है, हेमंत है, शिशिर है, वसंत है। अब ये समझिए, वसंत से गर्मी शुरू हो जाती है और ग्रीष्म तक रहती है, तो यानी ये दोनों गर्मी ग्रीष्म जिसे हम ग्रीष्म ऋतु या गर्मी बोलते हैं उसमें आ जाएंगे। हेमंत से ठंडी शुरू होती है, शिशिर तक रहती है, तो जिसे गर्मी, ठंडी, बरसात जो हम अपनी आम भाषा में बोलते हैं वो, और वर्षा और शरद ये बरसात वाले होते हैं। ये 3 जो मुख्य ऋतुएँ होती हैं, बाकी 6 ऋतुओं में बांटा गया है। हर मौसम का अलग अलग अंदाज है। ग्रीष्म के बाद वर्षा का आगमन होता है तो भारी गिरावट होती है, किसमें? गर्मी में। मौसम खुशहाल हो जाता है, धरती नई चादर ओढ़ लेती है, इस पर हरियाली वापस आती है। आषाढ़ और श्रावण 2 मास मुख्यतः वर्षा के होते हैं लेकिन इसके बाद भी वर्षा होती है जो कि अंग्रेजी कैलेंडर में जून से शुरू होकर सितंबर तक चलती है। तो अंग्रेजी कैलेंडर में क्या होता है, देखते हैं, जून के पहले वीक से न्यूज़ में आने लगता है कि मानसून आ रहा है, तो मानसून भारत में वर्षा जून से शुरू होती है और सितंबर तक चलती है। 4 माह देश भर में बारिश होती है इसलिए वर्षा को चतुर्मास का काल भी कहा जाता है। भारत में वर्षा का खूब महत्व है। हमारे देश में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मानसूनी यानी वर्षा ऋतु पर निर्भर है। हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था यानी जो कृषि है, कृषि मुख्यतः मुख्य अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्र है, पूरी तरह वर्षा पर आधारित है। अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। वर्षा ऋतु आती है किसके बाद आती है भाई साहब? तो ग्रीष्म के बाद।
देखिए ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु आती है, आपका सी उत्तर सही, इसके सामने के गोले को सही मारेंगे। वर्षा के आगमन से भारी गिरावट होती है किसमें, गर्मी में, क्योंकि गर्मी के बाद वर्षा आती है, तो आपका उत्तर ए सही होगा। कौन से दो माह मुख्यतः वर्षा ऋतु के हैं, सावन भादों। तीसरा का भी आपका ए सही है। गिरावट शब्द का मूल प्रत्यय है, तो आप देखिए गिर धन आवट, आपका ए उत्तर सही होगा। आगमन शब्द का विलोम है, आगमन मतलब आना, प्रस्थान मतलब जाना, तो आपका बी उत्तर सही है। आप बहुत सही कर रहे हैं, इसका उत्तर आप बी देंगे, बी के सामने के गोले को आप भरेंगे। हमारे देश का मौसम एकता से, समानता से, विभिन्नता से भरा है, तो बी उत्तर सही है, इस गोले को आप काला करेंगे। लोगों ने अपने काम और मौसम के मिजाज के हिसाब से बांटा है ऋतुओं को, किसमें, सॉरी, लोगों ने अपने काम और मौसम के मिजाज के हिसाब से बांटा है साल को बांट दिया है किसमें, ऋतुओं में, तो आपका भी उत्तर सही है। हमारे देश में कितनी ऋतुएं हैं, छों के नाम याद कर लीजिएगा, आपका आठवें का उत्तर सी सही है, ये गोला आप भरेंगे। चातुर्मास शब्द का अर्थ है चार महीने, चातुर्मास चार महीने, आपका उत्तर बी सही है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से किस पर निर्भर है, किसान पर, व्यापार पर, नहीं मानसून पर, इम्पॉर्टेंट है, तो सी आपका उत्तर सही है। छात्रों आपने हिंदी की वर्कशीट नंबर आकलन कार्यपत्रक संख्या 3 जो कि 21 जुलाई अगस्त के लिए था उसको सॉल्व किया। इसे करके आप अपने कक्षा अध्यापक के साथ शेयर करें ताकि आपकी मूल्यांकन रिपोर्ट वो अपने पास रख सकें और आगे भी आपकी क्या कमियां आ रही हैं, कैसे आपको पढ़ना है, उस हिसाब को आपको फीडबैक दिया जा सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर बने रहिए और नई नई जो आपकी वर्कशीट आ रही हैं और जो हम चैप्टर्स अपलोड कर रहे हैं उसको देखते रहिए। थैंक यू।